जिन किसी को पसंद करता है तो क्या उसका कत्ल भी कर सकता है, इंसान का कत्ल जिन कर सकता है? मैंने सवाल क्या क्या, जिन किसी का कत्ल पसंद की बुनियाद पर या नफरत दोनों भी ले लेते हैं, तो हाँ जिन जो है इंसान को तकलीफ दे सकता है, बीमारी दे सकता है, ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है, लेकिन वो कर सकता है, ऐसा इंसान इंसान को कर सकता है, कुछ खिला दिया तो बीमार हो गया, इसी तरह वो जो है इंसानों को कत्ल भी कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे फिका की अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो साहिर को सजा कैसी दी जाए वो तय होता है उसके जादू से क्या असर हुआ सामने वाले पर। जैसा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब उनसे सवाल हुआ कि अगर साहिर को क्या सजा दी जाए, तो कहा हाँ उसने जो जादू किया अगर साबित हो जाए तो जादू जिस पर किया कितना असर उस जादू ने किया उतनी सजा इसको दी जा सकती है, अगर उस जादू से कत्ल हुआ तो इसको कत्ल भी किया जा सकता है। तो पता चला कि जिनके जरिए कत्ल भी किया जा सकता है, चाहे वो मोहब्बत की वजह से, नफरत की वजह से, या फिर कोई छेड़खानी होगी आपसे, या गलती से किसी जिन को मार दिया, जैसे कि एक सहाबी ने एक जिन को कत्ल कर दिया जिन्होंने उनको भी कत्ल कर दिया। ये आसम के जमाने का वाकया, सही मुस्लिम की हदीस है, एक सहाबी घर में गए और सांप को जाकर मार दिया और उस सांप ने पलट कर अपने मरने से पहले इनको डस लिया, वो एक जिन था, वो जिन भी मर गया और वो सहाबी का भी इंतकाल हो गया उसके काटने से। तो पता चला वहां सांप की शक्ल में जिन था, जब सहाबी ने मारा तो उसने रिटेलिएशन में पलट के काट लिया और सहाबी की वफात हो गई और उस जिन की भी। सहाबा कहते दोनों में से कौन पहले वफात कर गया हमको नहीं मालूम, लेकिन वफात हुई। तो जिन मार सकते हैं शक्ल में आकर, आपने वो किया अटैक भी कर सकते हैं, तो लिहाजा ये हो सकता है। हम हमेशा इसे अल्लाह का जिक्र करते रहें ताकि हम इन शयातीन से महफूज रहें।